पत्ती कहते हैं लोग आपकी गाय, गैस क्या कहते हैं बताइए। किसने भेजा है? कितनी अच्छी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, सुबह का अभी कुछ खाना वाना नहीं बना है क्योंकि रात को मोटर ख़राब हो गया था तो उसकी वजह से पानी नहीं आ रहा था, घर पे पानी ही नहीं था तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अभी बज रहा है 10:30, 10:30 से शायद ज़्यादा ही हो गया है और अभी कुछ नहीं खाना बना मुझे। मैं तैयार भी हो गई, मुझे निकलना भी है तो जल्दी के लिए मैंने सोचा तहरी बना लेती हूँ। तो तहरी के लिए मैंने ये मटर और छोटे छोटे से आलू काट लिए हैं और इधर हरी मिर्च और अदरक थोड़ा सा काट लिया है और इधर मैंने छोटे से 3 टमाटर काट लिए हुए हैं और तो सोच रहे हैं कि तहरी ही बना लें, वो जल्दी बन जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, मोटर खराब हो गया था इस वजह से लेट हो गया है। तो आज का फिर यहीं पे ब्लॉग अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को, ऊपर रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई पकड़ने वाला भी नहीं है, हल्दी भी उतारनी है ऊपर रखी हुई, तो चलिए ऊपर रख देते तो दिखता रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली, चावल ले लिया, मैंने दाल मिक्स कर लिया, वेट चावल में दाल मिक्स कर लिया और रहती इसको भी देख लेंगे एक बार। ये हल्दी ले ली है, हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ती रहेगी, इसे इसको चम्मच मैंने हल्दी ले ली है और लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे चम्मच, थोड़ा सा तहरी में मसाला ज़्यादा पता तो अच्छा लगता है, और ये काली मिर्च ले लेंगी आधा चम्मच, आधे चम्मच से गर्म मसाला, लेकिन ज़्यादा गर्म मसाला खाना चाहिए तो काम नहीं कर सकते हैं। धनिया ले लेंगे 2 चम्मच, 2 चम्मच मैंने धनिया ले लिए और बस इतने मसाले हैं और इनको ना मसालों को थोड़ा सा भिगो देती हूँ पानी में। मसालों में मैंने ऐसे पानी डाल दिया है, थोड़ी देर के ऐसे रखूँगी, कुकर लेती हूँ, कुकर गैस पर चढ़ा देती हूँ, चावल में जो मैं दाल मिक्स की थी फिर मैं भूल जाते थे, भूल जाते थे, फिर टमाटर हो चुका है, इसमें मसाला डालेंगे। और मैं मसाले सारे इसको भी धुल कर आना पड़ेगा, थोड़ी देर पक जाने देते हैं, फिर ये अपना डालेंगे आलू और टमाटर। हाँ हो चुका है मेरा ये, थोड़ा मैं इसमें आलू और ये टमाटर डालते हैं, अच्छे से पका लेंगे, थोड़ी देर को खोला रहते हैं, फिर उसके बाद निकालेंगे धुले हुए रखें चावल, मेरे मटर इधर उधर गिर गए हैं इनको डाल लेती हूँ, अच्छे से चला दूँगी, थोड़े इनमें मिक्स हो जाता है मसाले वगैरह, मिक्स हो जाए इसको चला रहे हैं, फिर मैं डालती हूँ थोड़ी देर में 2 मिनट, 1 मिनट पक जाने देते हैं, फिर डालते हैं चावल में। देखिए ये हो चुका है, अब मैं चावल इसमें ऐड करती हूँ, सॉरी मैं दिखा नहीं पाऊँगी चावल ऐड करते टाइम क्योंकि अकेले हूँ, इस टाइप से चावल सारे ऐड करूँगी, वेट
खिचड़ी बन के उड़ाती है। क्या कर रहे हो? अरे पत्ती खाने जा रहे हैं हमारे भाई, इसको पत्ती कहते हैं लोग। आपकी गाय गाइस क्या कर रही है? किसने भेजा है? किसने बनाई है? किसने बनाई? बनाए नहीं है, खरीद के लाए थे। कौन खरीद के लाया था? हम। झूठे, झूठ बोलते हो। बहुत टेस्टी है ना। मैंने कल पूरी एक ही खा ली थी, पूरी एक खा डाली, मुझे पता ही नहीं लगा कि कितनी टेस्टी होनी थी। ये मम्मी के वहाँ गए थे, मम्मी ने दी थी। तो गाइस शाम का टाइम हो रहा है और किचन में आ चुकी हूँ। और अभी क्या खाना बनने वाला है उसकी तैयारी होने जा रही है। और आज आप लोगों को देख के लग रहा होगा मैं दो दो स्वेटर पहनी हूँ और दो दो कैप लगाई हूँ कि ठंडी का क्या नज़ारा है आप लोग समझ ही सकते होंगे। तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। तो बस किचन में आई हूँ, अभी हमारे हस्बैंड गए सब्जी लेने, सब्जी लेकर आ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या बनेगा। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, पहले से कुछ सोच नहीं रखा है। और मैं तो खाना इतने टाइम खाऊंगी नहीं, दो लोगों का खाना बनाना है बस, थोड़ा सा चारा क्योंकि बहुत ज़्यादा। और जो मेरा मोटर ख़राब हो गया था तो मोटर के लिए स्टार्टर आ चुका है। मोटर के चक्कर में आज सब कुछ लेट हो गया है। ये देखिए स्टार्टर आ चुका है, अभी लगेगा नहीं अपने स्टार्टर, इसके चक्कर में सब हो गया लेट, मोटर ख़राब हो गया। तो एक बूंद भी घर पर पानी नहीं था, तो सुबह हम लोग लेट से नहाए हैं 10-11। तो मेरी तहरी बना ली थी क्योंकि सुबह काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। और इधर तो अभी सही है, अभी अभी कितना टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं। और तो इधर तो खाना टाइमली बन जाएगा, तो चलिए खाना बनता है, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। कैसी लग रही है वीडियोस आप लोग बताइएगा। और मकर संक्रांति जा चुकी है और अब पता नहीं कौन सा फेस्टिवल आएगा। आई थिंक इधर कुछ नहीं आएगा, सकट आने वाले हैं, उसके बाद सीधे होली होगी बस, और कोई फेस्टिवल नहीं है। चलिए खाना बना लेते हैं क्योंकि खाना बनाना बहुत ज़रूरी है, शाम को जल्दी बना लेते हैं क्योंकि ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। 3 दिन से तो धूप देखने को ही नहीं मिली, खिचड़ी वाले दिन निकली थी आधी 12 बजे के बाद थोड़ा, फिर उसके बाद से बिल्कुल डंप हो गई। लेकिन सोच रहे थे कि खिचड़ी के बाद अच्छी खासी धूप होगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो चलिए बना लेते हैं, 3 दिन से धूप निकली नहीं है। जिसने भी कपड़े उपड़े अपने धोए थे वैसे ही पड़े होंगे, किसी के सूखे नहीं हैं, हवा में थोड़ा बहुत जितना सूख जाते हैं बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो चलिए बाय बाय।